हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं इस फेस्टिवल? होप सो आप सब अपने अपने घरों में अच्छे ही होंगे और लगे होंगे घर की सफाई में, मिठाइयाँ बनाने में। तो वही सब मेरा भी चल रहा है, घर की सफाइयाँ, मिठाइयाँ, यही सब। और अगर इसी बीच अगर आपको अलग से काम आ जाए तो कैसा लगता है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे साथ भी क्या था कि मुझे घर की सफाई करनी थी, कुछ कुछ चीज़ें भी बनानी थी, बट मेरे पास एक ऑर्डर आया 25 से 30 लोगों के खाने का और मुझे रोटियां ज़्यादा बनानी थी। सब्जियां तो 10-12 लोगों के हिसाब से ही बनानी थी, बट रोटियां बहुत ज़्यादा बनानी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे इतने जल्दी 11-12 बजे तक मुझे पार्सल देना भी था, कैसे करूँ। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया हुआ है, तो जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप भी देखिए कि कैसा लगता है, कैसे काम होता है। पूरा घर की हालत ख़राब होती है और खुद की तो होती होती है, क्योंकि इतना सारा काम फैला होता है। ऊपर से खाना बनाने में 4-5 चीज़ें जब बनानी हो ना, तो पूरा घर और भी ज़्यादा किचन पूरा फैल ही जाता है। तो जल्दी जल्दी मुझे सब करना भी था। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट के साथ साथ आगे भी शेयर कीजिएगा। और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू जो आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं। सो इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मुझे ना 3-4 चीज़ें बनानी थी, जिसमें कि मुझे शाही पनीर बनानी थी, दाल फ्राई बनानी थी मुझे, और भिंडी फ्राई भी बनानी थी, और इसके साथ ही साथ मुझे रोटियां बनानी थी, राइस नहीं बनाना था। और ये मैं कर ही रही थी तब तक एक दूसरा ऑर्डर और आ गया, जिसने मुझे कि 30 रोटी उनको चाहिए, और इनको तो मुझे देनी थी पहला ऑर्डर। तो इसके लिए फिर मुझे और ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना पड़ गया। सब्ज़ी भी उनको चाहिए थी, जिनको रोटियां चाहिए थी, तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रखी थी। भिंडी सब मैंने धो करके इनको अच्छे से सुखा उखा ली थी, पहले से ही धो दिया था, तो अभी सूखी नहीं है, ये गीली है, तो इसको हम साइड में कर देंगे। और सबसे पहले हम ना पनीर की ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 4-5 बिग साइज़ में अनियन लिए और फटाफट इनको रफली चॉप किया, क्योंकि टाइम नहीं था और मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने थे। मैंने सुबह 8:30 से मैंने स्टार्ट की जो प्रिपरेशन है इसकी, खाना बनाने की, मैंने 8:30 से स्टार्ट कर दिया था। तो जल्दी जल्दी सारे अनियन ये जो रफली कट कर रही हूँ ना, इनको अभी सब देखिए मैं क्या करने वाली हूँ इन सबके साथ। एक्चुअली मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेवीदार सब्ज़ी बनानी थी, तो इसके लिए ज़्यादा मसाला मुझे रेडी करना था, तो इसलिए मैंने 5-6 टमाटो, 4-5 अनियन सबको मैंने रफली चॉप किया, और काजू को तो मैंने पहले से ही भिगो दिया है। अब मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। इसके साथ ही मैंने लिए है दालचीनी के कुछ टुकड़े, बड़ी वाली इलायची, लौंग 4-5 और 8-10 काली मिर्च, इनको मैं इसी ऑयल में डाल के हल्का सा इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ ही हम डाल देंगे प्याज, जो कि मैंने रफली चॉप किया था, सारा प्याज इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और ऊपर से इसमें मैंने डाल दिया है गार्लिक एंड जिंजर, इनको भी मैं इन्हीं के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इनको मैं 4-5 मिनट फ्राई करूँगी, और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टोमेटो, क्योंकि मुझे इन सबको हल्का सा कुक करके इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। इसको भी हम चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे, और हल्का सा इसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट से क्या है ना, जल्दी से जो ये टमाटो वगैरह है अच्छे से कुक हो जाएंगे।
तो ये मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तो गैस फ्लेम ऑफ करके इन्हें हम ठंडा होने देंगे। और दूसरी ही साइड हमने कुछ और मसाले भी बनाने हैं, तो इसके लिए मैं फिर से गार्लिक को पील कर रही हूँ। पहले से मैंने पील करके रखे थे बट वो सारे ख़त्म हो गए, तो मुझे और करने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे भिंडी भी बनानी है, दाल फ्राई भी बनानी है, तो इसके लिए मुझे ये सब और अभी मसाले लगेंगे। तो गार्लिक पील होने के बाद हमने फिर से एक कढ़ाई ली है और इसमें डाला है सरसों का तेल। इसमें डाला मैंने 1/2 टीस्पून जीरा एंड हींग, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए चॉप्ड गार्लिक। और गार्लिक मुझे थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि दाल में तड़का लगने वाला है, तो जितना ही ज़्यादा आप इसमें गार्लिक और हींग डालेंगे फ्लेवर दाल में उतना ही अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनेगी दाल फ्राई। तो ये जब हल्के से गुलाबी हो जाए, हल्का सा रोस्ट हो जाए, तो उसके बाद हम बारीक चॉप्ड अनियन डालेंगे इसमें। और ये मैं यहाँ पे 1 अनियन लिया है बिग साइज़ का, इसको भी मैं इसमें डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको स्पाइसी दाल खानी तो आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें रेड चिली खड़ी डाली है जो कि तड़का लगाने के लिए मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ इसे, तो उतना इससे तीखा नहीं होगा। बट अगर आपको स्पाइसी दाल खानी तो आप इसको ग्रीन चिली कट करके डाल सकते हैं। और जब ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, एंड इसमें मैंने डाला थोड़ा सा हींग, हल्दी पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दाल तड़के में। और इनको हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें हम डाल देंगे टोमेटो, और टोमेटो भी मैंने 2 से 3 लिए हैं क्योंकि दाल तड़का में ना जितने ही ज़्यादा आप ये टोमेटो और अनियन डालेंगे फ्लेवर उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप अच्छे से, और क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा भी डाला है, अदरवाइज़ एक बिग साइज़ टमाटो है, अगर आप 2-3 कटोरी दाल बना रहे हैं तो एक टमाटर सफिशियंट है। तो इनको हम हल्का सा सॉफ्ट हो जाने देंगे, थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से गला लिया है, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बॉयल्ड दाल, और मैंने तूर दाल बनाई है, तो ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है, और अच्छे से इसका तड़का भी अच्छे से प्रॉपर क्वांटिटीज़ की, मतलब तड़के की दाल में ठीक है। तो ये अच्छे से हो गई। अब इसके बाद प्रोसेस आता है भिंडी कट करने का, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। और मैंने यहाँ पे ली थी 1.5 kg भिंडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी तो मुझे काटने में भी थोड़ा टाइम लगा। तो सबसे पहले तो मैंने साइड साइड के जो इनके पार्ट होते हैं उनको मैंने कट करके अलग कर दिया। अब हम भिंडी को चॉप कर लेंगे। आप भिंडी को चॉप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, जैसा आपको छोटी बड़ी कैसी भी बनानी है तो उस हिसाब से आप इसे चॉप कर लेते हैं। आप कई तरीके से भिंडी को कट कर सकते हैं, बट मैं एकदम सिंपल जो सबसे इजी है ना, छोटा छोटा सा बारीक वाला मैं कट कर रही हूँ।
तो भिंडी भी चॉप हो गई है। फिर से मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें सरसों का ऑयल डाला है, और जब तक ये ऑयल हीट होता है तब तक हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, एंड मैंने जितना भी गार्लिक छीला था वो डाला, और मैंने इसमें जो इस लच्छेदार अनियन कट करते हो उस तरह से मैंने इसमें डाला है। आप चाहो तो अपने हिसाब से बारीक अनियन भी कट करके डाल सकते हो, बट ऐसा वाला अनियन काट के डालने से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। तो इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसको मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ, तो मैंने इसमें 4 से 5 ग्रीन चिली को बारीक कट करके डाला है, क्योंकि भिंडी थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। बट अगर किसी को नहीं स्पाइसी खाना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके साथ मैंने डाला है 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जो सब्जी मसाला रहता है वो डाला है, और इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून टेस्ट अकॉर्डिंग मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और हाँ दोस्तों, मैं जितनी भी मिर्च यूज़ कर रही हूँ वो कश्मीरी लाल मिर्च है, इसलिए ज़्यादा तीखा नहीं होता है। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें डाला हुआ है। और इन सबको अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारी भिंडियाँ, और इस तरह से इनको अलटते पलटते हुए हम इन्हें पका लेंगे। और स्टार्टिंग में हमें इसे कवर नहीं करना है चलाते हुए, आपको 4 से 5 मिनट में इसको चलाते चलाते ही पकाना है। उसके बाद हल्का सा आपको इसे स्टीम करने के लिए कवर करना होगा, और बहुत ही टेस्टी भिंडी बनकर रेडी हो जाती है बहुत ही जल्दी। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी थी, तो इसको ना हमने इसके जल्दी से 2-3 बॉक्स पैक कर दिए, क्योंकि टाइम हो रहा था और काम इतना ज़्यादा था ना कि अभी पनीर की सब्ज़ी बाकी है बनाना, आटा लगाना बाकी है, रोटी बनानी है, और 1 घंटा तो प्रिपरेशन में ही ऐसे निकल गया। तो दाल को मैंने साइड में पैक करके अच्छे से रख दिया, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें पैक होते होते बहुत टाइम लग जाता है। और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया, लुक वाइज़ और टेस्ट वाइज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से दाल भी रेडी हो गई है। और पैकेजिंग के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो अच्छे से क्लीनिंग भी करनी रहती है, कहीं से कुछ गंदा ना दिखे, दाग ना लगे बॉक्स के ऊपर। तो अच्छे से ये पैक हो गया है, तो दाल हमारी रेडी हो गई। साइड में मैंने पनीर की ग्रेवी भी रेडी कर ली है, और मैं शाही पनीर बना रही हूँ, तो इसमें क्रीम, दूध, इसका जितना भी ग्रेवी मैंने बनाया है मिल्क ही डाला है, मिल्क से ही मैंने इसकी ग्रेवी रेडी की है, पानी बिल्कुल भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। और साथ में मैं इसमें 1/2 कटोरी कर्ड भी डाल रही हूँ, क्रीम मैंने ऑलरेडी पहले इसमें ऐड कर दी है, पूरा वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ मैं आपको इसका। और ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा कर्ड डाल दिया है, ये रूम टेम्परेचर का कर्ड था, मतलब दूध जो था सॉरी दही जो था वो ठंडा नहीं था। और हाँ ध्यान रखिएगा कि दही खट्टा भी नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश दही होना चाहिए। तो इसको डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करते रहना होगा, और हाँ जब भी आप दही डालें गैस को बंद कर दें, जिससे कि दही कई बार फटने का भी चांसेस रहते हैं तो वो फटेगा नहीं। इसके बाद मैंने यहाँ पनीर मंगाई थी 1 kg, तो वो भी मैंने फटाफट जल्दी से कट किए क्यूब्स में, क्योंकि इसको भी मुझे ऐड करना था, ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी थी, लास्ट में बस पनीर ही ऐड करना था। तो इस तरह से मेरी पनीर की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी, बस पनीर ऐड करना बाकी था। और थोड़ा सा मैंने उसमें कसूरी मेथी, धनिया ये सब डाला, थोड़ा सा मैंने फनल सीड्स भी डाले थे, क्योंकि इससे ना जो पनीर का टेस्ट है शाही पनीर का, वो एक हल्का सा जो मीठापन आता है ना वो अच्छा आता है, मतलब सौंफ डालने से। अगर आपको अच्छी लगे तो डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, कंपलसरी नहीं है। और हाँ मैंने इसमें ना 1/2 टीस्पून शुगर भी ऐड की थी, यानी कि चीनी भी डाली थी मैंने इसमें, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शाही पनीर का जो टेस्ट होता है हल्का सा मीठा मीठा सा रहता है, तो इसलिए, क्योंकि मेरे पास खोया तो था नहीं तो मैंने खोया नहीं डाला है इसमें। और इस तरह से मेरी पनीर की सब्ज़ी, इधर देखिए भिंडी भी बनकर रेडी हो गई है, थोड़ा सा भी इसको फ्राई होना बाकी है भिंडी को, और पनीर की ग्रेवी भी रेडी है। तो अब हमें इसमें बस पनीर क्यूब्स ऐड कर देने हैं। तो इस तरह से मैं दो, एक्चुअली अच्छा है कि मेरे पास 4 चूल्हे वाली गैस है, कि सारी गैसों में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, अदरवाइज़ तो मैं परेशान हो जाती कि इतना सारा टाइम, मतलब इतना सारा खाना बनाना है और इतने कम टाइम है मेरे पास, और घर के भी सुबह सुबह सबके नाश्ता खाना चाय ये सब भी रहता है। और इसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ लगा लिया, बड़ी से बड़ा सा परात लिया मैंने, उसमें जल्दी से आटा लगा के मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रोटियां भी काफ़ी बनानी थी, तो सबसे ज़्यादा टाइम जाने वाला था रोटी बनाने में, एक एक करके रोटी बनाना, सेकना, घी अप्लाई करना, तो टाइम इस तरह से काफ़ी जा रहा था। तो बस पैकेजिंग का काम मेरे हस्बैंड ने हेल्प कर दी, कि उन्होंने जल्दी से पैक कर दिया, और
और कुकिंग का काम था मेरा, तो इस तरह से हम दोनों ने मिलके जो ऑर्डर था आज का वो कंप्लीट किया। क्योंकि अकेले से मतलब मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर पाती हूँ, कई बार जल्दी जल्दी में कहीं कुछ गड़बड़ होती कहीं कुछ। तो ये क्योंकि छुट्टी का दिन था, सारा टाइम अच्छे से मैनेज हो गया, टाइम पे मेरा खाना भी रेडी हो गया और टाइम पे मैंने दो ऑर्डर थे मेरे ये आज के, और दोनों को ही काफ़ी मात्रा में मुझे खाना देना था तो हो गया कंप्लीट। और साइड में ही मैंने थोड़ी सी खीर बनाई थी, ये मुझे पार्सल में नहीं देनी थी बट घर के लिए मैंने बनाई थी। तो राइस और दूध तो पक चुका है अच्छे से, चीनी वीनी सब मैंने ऐड कर दी है और ऊपर से बस मुझे इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो इसका भी वीडियो मैंने प्रॉपर नहीं बनाया है, बस ऐसे ही कि सारे खाने के साथ मैंने इसे भी ऐड कर दिया है इसमें। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई दोस्तों, बहुत थक गई थी लेकिन फाइनली जब ऑर्डर कंप्लीट होता है ना तो एक जो सुकून मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर दोस्तों पसंद आया हो तो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे वीडियो आजकल बहुत बड़े हो रहे हैं तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आप लोग लास्ट तक देखते होंगे। अगर देखते होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी और ये वीडियोस वगैरह कैसे लगे। तो अब बारी आती है घर में सबको खाना खिलाने की, तो मैंने जल्दी से सबके लिए पनीर सर्व किया। वो तो सुबह की मैंने मतलब सुबह क्या दिन में जो पनीर बनाया था वो तो मेरा पूरा का पूरा चला गया, फिर मुझे दोबारा से और सब्ज़ी बनानी पड़ी थी पनीर की। तो मैंने रफली ऐसे ही सारी सब्जियां वगैरह डाल के कढ़ाई पनीर जैसा बनाया, फिर सबके लिए मैंने खाना लगाया, खीर लगाई, सब्जी लगाई, दाल लगाई, राइस लगाया। और हाँ दोस्तों मैंने दही बड़े भी बनाए थे, तो इसका वीडियो मैंने पहले वाले वीडियो में डाला हुआ है तो मेरे पास ये भी था। तो इस तरह से मैंने पूरा खाना बनाया और दाल की स्टफिंग भी थी तो मैंने कचौड़ियाँ भी बनाई। तो इस तरह से मेरी पूरी थाली एक कंप्लीट थाली बन गई जिसमें स्वीट भी है और मीठा भी है, पूरी भी है, सब्जी भी है, दाल राइस सब कुछ है। तो इस तरह से मैंने पूरी कंप्लीट थाली बना दी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये थाली? अगर पसंद आई हो दोस्तों मेरी थाली तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट के साथ साथ आगे भी शेयर कीजिएगा। और हाँ अगर तक अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।